नारायण 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 नारायण, ऐसा शास्त्रों में मानते हैं। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है वह संसार में बंधा हुआ है, और जिसका मन विषयों से मुक्त है निश्चित रूप से वही मोक्ष युक्त है। अब विचारणी विषय यह है कि मन हमारा विषयों में आसक्त है कि नहीं, इसका कैसे पता चले। निश्चित रूप से जिसमें चित्त हमारा आसक्त होता है, मन हमारा आसक्त होता है, उसका बार बार चिंतन करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमको कोई मिष्ठान खाने को मिला और खा करके हम भूल गए तो हमारा मन आसक्त नहीं हुआ, किंतु बार बार उसका स्मरण हो कि वह मिठाई चाहिए, कहाँ मिलेगी, संकल्प विकल्प हो, इसी को आसक्त कहन होना कहते हैं। तो हमारा मन विषयों से उपराम हो जाए। अभिप्राय इसका ये है कि जब जहाँ जो मिले उसके साथ उतनी देर रह ले, बार बार उसका चिंतन न करे, बार बार उसके पाने की कल्पना न करे, प्रयास न करे। यदि ऐसा मन बन गया तो अब किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, अब साक्षात मुक्त ही हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में मन का बहुत महत्व है। जैसे कल की श्रुति में मैंने अहंकार का निरूपण किया था, आज उसी प्रकार से मन का निरूपण हुआ है। यह वाक्य समाज में बहुत प्रचलित है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कैसे मन बंधन और मोक्ष का कारण बनता है, इसका विवरण इस ब्रह्म बिंदु उपनिषद में किया गया है। निश्चित रूप से हम मोक्ष की ओर बढ़ें, क्योंकि मोक्ष अपना स्वरूप है, बंधन अपना स्वरूप नहीं है। हम मोक्ष थे, मोक्ष स्वरूप थे, मोक्षवान हैं और मोक्षवान ही रहेंगे। केवल विषयों में आसक्त होने के कारण बंधन युक्त लगते हैं, बस इससे ऊपर उठ करके हम बंधनों से युक्त नहीं, बंधनों से हम मुक्त हों, यही श्रुति का कहना है। श्रुति माँ है, यह दिव्य अमृत हमें पिला रही है। इस अमृत को पान करके हम सदा सर्वदा के लिए बंधन मुक्त हो जाएं, बंधन से छूट जाएं और मोक्ष युक्त हो जाएं। नारायण नारायण नारायण।